हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंजीनियर। आज हम बात करने वाले हैं सीफेयरर प्रोफाइल में अपने पासपोर्ट डिटेल को कैसे अपडेट करना है। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आपके पास एक जो आपका नया पासपोर्ट है उसके फर्स्ट और लास्ट पेज की जो कॉपी है वो PDF फॉर्मेट में रखिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कंप्यूटर से डिजी शिपिंग की वेबसाइट को ऑपरेट करना चाहते हो तो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वर्जन है up to 9 तक चलेगा, और अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है तो आप फायरफॉक्स से भी ऑपरेट कर सकते हो। गूगल क्रोम से वेबसाइट ओपन नहीं होती है, तो मैं पर्सनली फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ अगर डिजी शिपिंग की वेबसाइट अगर ओपन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और उधर जाके टाइप करना है आपको डीजी शिपिंग टाइप करके जस्ट एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो बहुत सारे सर्च रिजल्ट आएंगे। जो सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट है, जो उसकी वेबसाइट होगी वो www.dgshippingov.in ये होगी, उस पर आपने क्लिक करना है। उसको जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, जो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो इधर काफ़ी सारे ऑप्शंस है। जैसे आप ई गवर्नेंस पे आपके कर्सर को लेके जाओगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, तो आपने ई गवर्नेंस पे क्लिक करना है इधर, ठीक है। अब जैसे ही ई गवर्नेंस पे क्लिक करते हो तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है न्यू टैब में, और इधर ये कॉर्नर में आपको आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो एंटर करना है। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हो तो इधर आपका नाम आ जाता है, और इधर आपको दिखाई देगा शिप सीफेयरर इंडिपेंडेंट मॉडल्स। तो जो बीच वाला है सीफेयरर्स, उसमें 3 नंबर पे अपडेट सीफेयरर प्रोफाइल लिखा है, उसमें एंटर करना है। आप जैसे एंटर करते हो तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आप जैसे देखोगे ऊपर के साइड में काफी सारे ऑप्शन है, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है उस पर हमने क्लिक करना है। आप जैसे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हो तो इसमें 3 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे ऑथोराइज डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट टू एड मोर और अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट। तो जो ये वाला है बीच वाला रिक्वेस्ट टू एड मोर और अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट डिटेल, तो उसको हमने क्लिक करना है। उसको जैसे क्लिक करते हो तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो उस पर जो पूछा जाता है हमको रिक्वेस्ट किस लिए करना है, तो इधर क्लिक करेंगे हम लोग तो इधर आ जाता है एड पासपोर्ट और अपडेट एग्जिस्टिंग पासपोर्ट। अगर आपके जो एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है आपके पास उसके ऊपर अगर कुछ ऐड करना है आपको तो इधर से आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू किया हुआ है तो आपने ऐड न्यू पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले पासपोर्ट नंबर पूछा गया है, तो हम लोग पासपोर्ट नंबर डालेंगे इसमें। इधर इश्यूड एट लिखना है, जिस प्लेस से इशू किया है इधर। इधर इश्यू डेट लिखना है आपको। इधर वैलिड टिल वो डेट डालना है, कब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। इधर हमें जो अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी है को अपलोड करना है, तो इधर ब्राउज लिखा है, ब्राउज पे क्लिक करना है। मैंने इधर पासपोर्ट की स्कैन कॉपी को अपलोड किया हुआ है। इधर अभी हमें सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, बट इधर क्लिक करने से पहले आपने आपके जो सारे डिटेल्स है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हो तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाता है, और जो आपने स्कैन कॉपी अपलोड किया है ये इधर से आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमें प्रोसेस करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।